आ गई स्क्रीन। अकाउंट्स क्रेडिटेड, पीआर, सेल्स, सेल्स डिस्काउंट। सेल डिस्काउंट के बाद आ गया कैश। डेबिट फिर आ गया बैंक। अरे अरे बैंक डेबिट डेट फिर आ गया, ये आ गया जनाब पर्टिकुलर्स। अब ये अरे भाई पर्टिकुलर्स में ये क्या आ जाएगा बोलो, अकाउंट ठीक हो गया सर। पोस्ट रेफरेंस परचेजेस भाई ये आ गया। अब शुरू करो फटाफट, मैं नहीं बताऊंगा। चलो भाई चलो, कौन बता रहा है सबसे पहले? अजरा आप बताएंगी, अजरा आप बताएंगी सबसे पहले। अजरा सबसे पहले सवाल के शुरू में लिखा है, मिस्टर तलूता सोल ट्रेडर यूज 3 कॉलम कैश बुक फॉर हिज बिजनेस ऑन फेब्रुअरी 5, 2005। पहली फेब्रुअरी 2005 मेरे बेटा, पहली फेब्रुअरी 2005 ठीक है।
ये पहले मैं नए लोगों से पूछूंगा, सरोज से, अंशरा से, अजरा से, पहले ये बताएंगे। अभी मैं पूछ रहा हूं किससे, मैं पूछ रहा हूं जनाब सरोज से। सरोज जल्दी बताओ, अगली बारी अजरा की, फिर आखिर में अंशरा। बताओ सरोज जल्दी बताओ। सर बेटा फरवरी की पहली तारीख सन 2005, ठीक है सर 2005 फरवरी की फर्स्ट को, बोलिए जल्दी, बोलिए जल्दी, फरवरी की पहली तारीख को बैलेंस दिया हुआ है क्या? बैलेंस दिया हुआ है क्या? जल्दी बताएं बेटा, बैलेंस दिया हुआ है? यस सर दिया हुआ है। जरा बताओ ये बैलेंस मैं डेबिट पे क्यों लिख रहा हूं? सर बैलेंस डेबिट पे क्यों लिख रहे हैं? जल्दी बताओ सरोश, ये बैलेंस हम डेबिट पे क्यों लिख रहे हैं बेटा? जल्दी बताइए। अजरा या अंशरा में से भी कोई बताना चाहे तो बता दे, मेरा पुराना बच्चा कोई नहीं बोलेगा। जल्दी बताओ, कैश का बैलेंस 25,000 रुपये, बैंक का बैलेंस कितना है? कैश 25,000, बैंक का बैलेंस है 35,000 रुपये, ये मैंने डेबिट पे क्यों लिखा? नहीं बेटा जवाब ये नहीं है कि इधर मेंशन है, वो तो उधर ही मेंशन होगा, लेकिन सर कैश और बैंक दोनों बाई नेचर एसेट हैं। एसेट का नॉर्मल बैलेंस, एसेट का ओपनिंग बैलेंस किस साइड पे आता है? जल्दी बोलो सर, डेबिट पे आता है। ठीक, तो एसेट का नॉर्मल बैलेंस डेबिट, लाइबिलिटी कैपिटल और रेवेन्यू का नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट, और अगर एक्सपेंस हो तो एक्सपेंस का बैलेंस भी डेबिट होता है एसेट की तरह से। ठीक है सर, चूंकि ये डेबिट बैलेंस है इसलिए हमने ये नॉर्मल बैलेंस है। हाँ ओवरड्राफ्ट होता तो फिर हम क्रेडिट लिखते, और ओवरड्राफ्ट सिर्फ बैंक का कॉलम होता है यानी कि कैश एट बैंक होता है। चलो भाई सरोज के बाद अब अंशरा की बारी है। अंशरा बहन मीटिंग में है? हाँ है। अंशरा जल्दी बता दो, फरवरी की पहली तारीख के बाद अगला इवेंट क्या हुआ? अंशरा बेटा जल्दी बता दो, फरवरी की पहली तारीख के बाद क्या है? सर लिखा हुआ है 4 तारीख को, रिसीव अ चेक, रिसीव अ चेक ऑफ ₹9,900 फ्रॉम तंजील, ठीक है, इन फुल सेटलमेंट ऑफ इस अकाउंट 9,990, 9,900 रुपए का चेक मिला, लेने थे 9,990 रुपए। बोलो अंशरा या अजरा, बोलो अजरा, अजरा जल्दी बोलो, बोलो बेटा कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो? अजरा बेटा जल्दी बोलो, कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो? अजरा बतूल जल्दी बोलिए, हम एक चेक रिसीव कर रहे हैं तंजील से, टोटल अमाउंट थी 9,990 रुपये, चेक रिसीव हुआ है हमें 9,900 रुपये इन फुल सेटलमेंट पे। जल्दी बोलो अजरा बतूल, अजरा बेटा जल्दी बोलो, ये जो चेक रिसीव हुआ है ये इनफ्लो है या आउटफ्लो? अजरा बोलो, अजरा ये इनफ्लो है या आउटफ्लो? मेरा बेटा चेक रिसीव हो रहा है तो आउटफ्लो कैसे हो गया? चेक रिसीव हुआ है ना बहन, चेक रिसीव होने का मतलब फ्यूचर में आपको पैसे मिलेंगे। चेक आपको रिसीव हुआ है, आपने इशू थोड़ी ना किया, आपको रिसीव हुआ है इसका मतलब आपका कस्टमर आपको एक चेक दे रहा है जिसके अगेंस्ट में वो पैसे आप बैंक से ले लेंगे जाके। तो मेरे बेटा चेक रिसीव होता है तो ये इनफ्लो है कैश का, ये कैश का इनफ्लो है। तो बताओ चेक रिसीव हो रहा है अपने कस्टमर से, जो चेक तुम रिसीव कर रही हो, बताओ कस्टमर से पैसे लेने थे या देने थे? अकाउंट्स रिसीवेबल था या पेबल था? बोलो कस्टमर से पैसे लेने थे या देने थे? बोलो अजरा, बोलो अंशरा, रिसीवेबल था या पेबल था? लेने थे तो क्या लिखोगी? अकाउंट अकाउंट रिसीवेबल, और किससे लेने थे? तंजील से लेने थे। ठीक हो गया सर, चेक अभी हमें मिला है,
जब तक हमारे पास रहेगा हम उसे कैश बोलते हैं। कितने का चेक मिला है सर? 9,900 का। ठीक हो गया, ठीक हो गया। ठीक हो गया, चलूं आगे। चलो अब अंशरा तुम बताओगी, अंशरा तुम बताओगी। तंजील का चेक हमने रिसीव किया, हमारे पास कैश का इनफ्लो हो गया। चेक जब तक हमारे पास था हमने कैश बोला, लेकिन बताना बेटा तो 11 तारीख को क्या हुआ? बताना बेटा 11 तारीख को क्या हुआ? जल्दी बता दे बेटा 11 तारीख को क्या हुआ? सर 11 तारीख को हमने तंजील साहब का चेक कहाँ जमा करवा दिया? बोलो जल्दी, बोलो जल्दी। हमने उनका चेक कहाँ जमा करवा दिया? जल्दी बोलो कहाँ जमा करवा दिया? बोलो हाँ, शाबाश अंशरा बेटा, हमने बैंक में जमा कराया। तो जल्दी बताओ हमारा बैंक वाला एसेट बढ़ेगा और जो कैश इन हैंड है वो कम होगा। ठीक है, तो जो बैंक वाला एसेट बढ़ा वो डेबिट, किस वजह से? कैश की वजह से, कैश की वजह से डेबिट हो गया। चूंकि ये दोनों तरफ इफेक्ट करेगी। सर आपको कैसे पता चला दोनों तरफ इफेक्ट करेगी? यार कैसे नहीं पता चलेगा भाई, कैसे नहीं पता चलेगा? सर साफ लिखा हुआ है चेक बैंक में जमा करवाया तो बैंक अकाउंट में पैसा आ गया, और जो ऑफिस में चेक था जिसे हमने कैश कंसीडर किया था वो अब गया। सर कितने का? 9,900 रुपये। डन हो गया सर। अब जो बैंक में पैसे गए हैं निकले कहाँ से हैं? सर निकले तो कैश से हैं, 2005 फेब्रुअरी की कौन सी तारीख को? 11 तारीख को। ये क्या हो रहा है? अब बताओ फरवरी की 11 तारीख को कैश से पैसे जा रहे, बैंक में जा रहे, तो बैंक को तो डेबिट कर दिया 9,000। कैश को क्रेडिट भी तो करोगे, तो बैंक डेबिट हुआ कैश की वजह से और कैश क्रेडिट होगा बैंक की वजह से। क्या ये भी कॉन्ट्रा इफेक्ट ही है? यस सर बिल्कुल, ये कॉन्ट्रा इफेक्ट है। ये सी लिख दिया। ठीक है, और हमारा कैश का आउटफ्लो हो गया कितने से? बोलो भाई कितने से हो गया कैश का आउटफ्लो? नौ हजार 900 रुपये से। ठीक हो गया, चलो शाबाश बेटा शाबाश। चलो भाई अब पुरानों में से बता दे कोई, इस्माइल है क्लास में, अब्दुल्ला है, अब्दुल्ला या इस्माइल में से कोई एक है तो बताओ। अब्दुल्ला है, इस्माइल है, अगला क्या आया सर? अगला आया जनाबे वाला डिपॉजिटेड इशू अ चेक 5,500 रुपये का, टू बुरहान इन फुल सेटलमेंट ऑफ इस अकाउंट 5,550। हम एक चेक इशू कर रहे हैं, नालायक आबान तुमने रिसिवेबल क्यों लिख के भेजा है मुझे? हम एक चेक इशू कर रहे हैं, हम एक चेक इशू कर रहे हैं, तो जब हम चेक इशू करेंगे तो हमारे अकाउंट से पैसा चला जाएगा। 15 तारीख को हम एक चेक इशू कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारे बैंक से पैसे जा रहे हैं। ओ भाई क्या वजह हुई जो चेक इशू किया?
हमारी कोई पुरानी लाइबिलिटी थी विच इज कॉल्ड अकाउंट्स, विच इज कॉल्ड अकाउंट्स पेएबल। ये लिख दिया जनाबे वाला अकाउंट्स पेएबल। अकाउंट्स अकाउंट्स पेबल, नाम बताना क्या है पेबल के आगे भाई, क्या नाम आएगा पेबल के आगे? पेबल के आगे बुरहान। मेरे पास जगह कम है तो मैंने खाली बुर लिख दिया है। बुरहान साहब को हमने देना है। चलो बताओ डिस्काउंट की रकम कितनी आएगी? सर 50 रुपए का डिस्काउंट है। हातिम ताई की कब्र पे लात मार दी इन्होंने, इतना डिस्काउंट बकिया 5,500 रुपए तो हमने दे ही दिए हैं। तो ये आ गया इफेक्ट। आगे चलो डिपॉजिट कैश इन टू बैंक। चलो बताओ क्या ये कॉन्ट्रा एंट्री नहीं है? हमाद डिपॉजिट कैश इन टू बैंक, हमाद चुखताई जल्दी बताओ डिपॉजिट कैश इन टू बैंक, कहाँ पैसे जमा करा रहे हो हमाद? सर बोलिए बोलिए कहाँ जमा करवा रहे हैं? बैंक में जमा करा रहे हैं। तो भाई हमारा कैश वाला एसेट कम होगा और बैंक वाला एसेट बढ़ जाएगा 21 तारीख को। कॉन्ट्रा एंट्री शाबाश। कैश की वजह से बैंक में पैसा चला गया भाई। कितने पैसे चले गए बताना तो। सर 1,000, 1,000 रुपए नगद जमा करवाएं सर, ठीक। और यही यही अमाउंट जो बैंक में गया इसे कैसे कम भी तो करोगे सर? कौन सी तारीख को? 21 तारीख को। बैंक की वजह से कैश क्रेडिट हो जाएगा। कॉन्ट्रा एंट्री आ गई। उसके बाद क्या है आखिरी ट्रांजेक्शन 26 तारीख को, सेकंड लास्ट। विड्रू कैश 3,000 फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज एंड 5,000 फॉर ऑफिस यूज। सर बैंक से पैसे निकाले हैं आपने, बैंक से पैसे निकाले हैं कुछ ऑफिस के लिए, कुछ अपने जाती इस्तेमाल के लिए, तो अलग अलग लिखोगे। किस तारीख को पैसा निकाला? 26 तारीख को पैसा निकाला। पहले तो वो लिख लो जो अपने लिए है, जो अपने लिए निकाला वो ड्रॉइंग है ना, ड्रॉइंग। और पैसा बैंक से चला गया। कितना पैसा बैंक से चला गया? सर आप बैंक से निकाल कर ले गए हो, आप बैंक से निकाल कर ले गए विड्रू कैश रुपीज 3,000। कितने पैसे घर ले गए हो? 3,000 रुपए ले गए हो ऑफिस से निकाल के घर। तो बताओ बिजनेस के बैंक अकाउंट से पैसा चला गया है ना, बिजनेस के बैंक अकाउंट से पैसा आपके जाती इस्तेमाल नहीं किया तो रीजन ड्रॉइंग आ गया। अब जल्दी बताओ क्या ऑफिस के लिए भी कुछ पैसा निकाला है? यस सर 5,000 ऑफिस के लिए निकाले हैं। तो जो पैसा बैंक से निकाला वो ऑफिस में आ जाएगा तो बैंक का रिजर्व कम होगा है ना भाई, बैंक रिजर्व कम होगा 5,000 से, ठीक हो गया। और ये पैसा उठकर कहाँ चला जाएगा? सेम डेट को ये कैश अकाउंट में मूव कर जाएगा। कौन सी तारीख है सर? 26 तारीख। कौन सी तारीख? 26 तारीख को ये पैसा बैंक की वजह से कैश में चला जाएगा। अगेन कॉन्ट्रा एंट्री।
ठीक हो गया। आखिरी ट्रांजेक्शन प्रोसीड करो। पेड सैलरीज 5,000 इन कैश। किस तारीख को इवेंट हुआ है? किस तारीख को इवेंट हुआ है? 28 तारीख को। 28 तारीख को। 28 तारीख को इवेंट हुआ है। आपने क्या किया सर? हमने सैलरीज पे कर दी, हमने सैलरीज पे कर दी है ना? कैश के थ्रू सैलरीज पे की हैं। कितनी सैलरी जरा देखना। तो ये आ गया सैलरीज एक्सपेंस। पांच हजार हो गया बेटा। अब इसकी बैलेंसिंग कर लोगे, इसकी बैलेंसिंग कर लोगे, इसकी बैलेंसिंग कर लेंगे। भाई कुछ लोगों ने तो तस्वीर भी भेज दी बैलेंसिंग की, कुछ लोगों ने तो बैलेंसिंग करके तस्वीर भी भेज दी है। हम्माद भाई ने भेज दिया हमें। शाबाश हम्माद। कैश का बैलेंस आ रहा है कि, लेकिन हमारा तुमने बेवकूफी देखी है क्या करी है तुमने? कैश बुक का बैंक वाला हिस्सा जो रिसीट साइड का है वो तुमने पेज के दूसरी तरफ लिख दिया है। ये बावली हरकतें कब छोड़ोगे? चलो भाई कॉलम का टोटल कर लो। ये 90 आ गया। कितना हो गया ये? 25 और 9 ऐड कर लो। 34,900। ये भी ऐड करो। बैंक का कॉलम ऐड करो। कितना आ रहा है? 45,900। चलो दूसरी तरफ चलो। डिस्काउंट आ गया 50 रुपए से। कैश वाला क्रेडिट कितने से है भाई? 9,000। 9 और 10, 10 और 5 15, 15 और 20, 20,900। 21,400। 21,400। अरे यार मैंने गलती कर दी भाई, उसे गलती हो गई, मिस्टेक हो गई। हाँ वो मैं सही कर रहा हूँ यार। अरे भाई वो मिस्टेक क्या हुई मैं बता रहा हूँ अभी। वो मैंने ये 5,500 यहाँ लिख दिया गलती से भाई। वो चेक इशू किया था ना हमने, हमने तो चेक इशू किया था, तो वो हमने चेक इशू किया था तो वो हमने यहाँ लिखना चाहिए था हमको। ये गलती हो गई। मैं रेड कलर से लाइन लगा दे रहा हूँ कि मैंने गलती को रेक्टिफाई कर दिया भाई। वो जो कैश यहाँ था मैंने उसको यहाँ ट्रांसफर कर दिया। चलो आप ऐड करो। नौ और एक 10, 10 और 5 15,900 आ रहा है। सही है यार भाई, 15,900 रुपये आ गया। हमाद भाई का यही अकाउंट बैलेंस आ रहा है। चलो दूसरी तरफ ऐड करो। 5 और 5 10 और 13,500। 13,500।
एक लाइन छोड़ोगे, मार्जिन ड्रॉ करोगे आमने सामने, चलो जल्दी बैलेंसिंग करो, बड़ी साइड का बैलेंस दोनों तरफ लिख दो, जल्दी जल्दी फटाफट बैलेंसिंग करो भाई। हमाद भाई ने तो कर दिया है, बकिया लोग भी करो, और इसको मुझे प्लीज तस्वीर भेजो। छब्बीस फरवरी की डेट, एक मिनट भाई देख रहा हूँ, 26 तारीख को विड्रीव कैश 3,000 फॉर बैंक फॉर पर्सनल यूज, ठीक है, विड्रीव 5,000 फॉर ऑफिस यूज, सही किया है बेटा। अच्छा, ये सॉरी 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 सॉरी, ये गलत गड़बड़ हुई है ये। ओके सही है हमाद, ये वाला इवेंट यहाँ आएगा, ऑफिस से बैंक से पैसे निकाले ऑफिस में लाए ना, तो बैंक से क्रेडिट हो गया, इधर डेबिट हो गया है। सही है हमाद, थैंक यू हमाद, ये थोड़ा सा ये चेंज हो गया। ओहो, ये भी इधर से आ गई, पोस्टिंग गलत करी भाई हमने। कैलकुलेटर निकालो जरा जल्दी से, कैलकुलेट करो सही, ये हो जाएगा 30, कितना हो जाएगा ये जल्दी बोलो, ये हो जाएगा 39, ऐसे ही है ना। ठीक है, और ये वाला हो जाएगा 40, ये वाला हो जाएगा 40, मैंने रेड से ही लिख दिया ताकि वो आइडेंटिफाई हो जाए कि हमसे थोड़ी गड़बड़ हो गई थी भाई, इसके लिए माजरा चाहता हूँ। चलो भाई अब कर लोगे, चलो भाई नमाज का ब्रेक ले लो, नमाज का ब्रेक ले लो, और इसकी बैलेंसिंग टोटल करके एक एक आदमी मुझे व्हाट्सएप करेगा, इसकी बैलेंसिंग कंप्लीट करके एक एक आदमी मुझे व्हाट्सएप करेगा, कॉपी कर लिया, स्क्रीन हटा दूं। चले जी, एक मिनट, क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, दोबारा बोलो। क्या करूं हम्माद, ठीक भाई, एक 35,000 हो गया है, एक 9,900 हो गया, एक 1,000 हो गया, तो जरा इसको ऐड कर ले मेरा ख्याल है। आप ये कह रहे हैं हम्माद, मैं दोबारा एक मिनट देख लेता हूँ, इसको ओपन करता हूँ, इसको पेंट में करेक्शन कर देता हूँ। अब देखो हम्माद ये कितना हो गया, 35, 36, 36 और 9, 36 और 9 हो गए, हाँ यार ये 45 आ रहा है।